हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल डिलाइटेड डिशेस विद अजीना। तो आज हम बनाएंगे नेपाल की बहुत ही फेमस डिश झोल मोमो। ये झोल मोमो खाने में बहुत ही टेस्टी है, इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा आ रहा है, पूरा घर महक रहा है। सो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। झोल मोमो के लिए पहले कीमा बनाएंगे। मैंने लिया है 1/2 kg चिकन। आज थोड़ा हेल्दी बनाएंगे मोमो। 1/2 cup चॉप्ड किया हुआ गाजर, 1 cup हरी प्याज बारीक कटी हुई, 1 cup बारीक कटी हुई प्याज, 1/2 cup धनिया बारीक कटी हुई, 1 चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन, 1 चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और नमक स्वाद अनुसार। लेंगे 1/2 cup तेल, 1 चम्मच सोया सॉस। इन सारे इंग्रेडिएंट को कर देंगे अच्छे से मिक्स। हमने सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से कर दिया है मिक्स। अब मोमो की तैयारी करते हैं। मोमो के लिए पहले डो बनाएंगे। मैंने लिया है डो के लिए 1/2 kg मैदा। लेंगे 1/4 चम्मच नमक, अच्छे से कर देंगे मिक्स। और पानी डालते हुए हम इसके डो बनाएंगे। डो तैयार हो चुका है। अब इसको रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। आइए डो को चेक करते हैं। डो के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे इस तरह से। लेंगे मैदा और मैदे में डिप करते हुए हम छोटे छोटे रोटियां बनाएंगे। इस तरह से हम सारी बॉल्स के रोटियां बनाएंगे। सारे बॉल्स के हमने रोटी बना लिया है। अब लेंगे ये कीमा, रोटियों में कीमा भर के हम इस तरह से बंद करेंगे। देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम सारी रोटियों के मोमो बनाएंगे। तो हमने सारे मोमो को बना लिया है इस तरह से। आज हम मोमो विदाउट स्टीमर बनाएंगे। तो मैंने लिया है पैन। पैन में मैंने लिया है करीब 1 बड़े चम्मच के तेल। तेल गरम हो चुका है। अब डालेंगे ये मोमो जो हमने बनाए थे। अब मोमो चेक करते हैं, कुछ इस तरह से हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से पानी, करीब 1/2 cup के जितना, और ढक्कन बंद करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। पानी सूख चुका है। आइए हम मोमो को चेक करते हैं। पानी सूख चुका है और मोमो भी अच्छे से पक चुका है। अब मोमो के साथ सर्व करने के लिए हम बनाएंगे झोल। सो झोल की तैयारी करते हैं। झोल के लिए मैंने लिया है 1/4 cup भटा मास, सोयाबीन की दाल,
इसको कर देंगे फ्राई। बटामस चटकने लग गई है, इसका मतलब कि ये पक गई है। इसको साइड रख देंगे। अब उसी पैन में हम भुनेंगे मूंगफली। एक चौथाई कप लिया है मैंने। मूंगफली भी चटकने लग गई है, इसका मतलब अभी ये हो चुका है। उसी पैन में हम लेंगे एक चौथाई कप सफेद तिल, इसको भी भून देंगे। ये हमारे तिल भी भून चुके हैं, इसको भी कर देंगे साइड। उसी पैन में मैंने लिया है तेल, मैंने लिया है एक टुकड़ा अदरक के, 15 से 16 कलियां लहसुन के। काजू, 3 टमाटर कटे हुए, 1 लिया है हरी मिर्च। आप हरी मिर्च अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। तो कर देंगे अच्छे से मिक्स। लेंगे नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच कुटे हुए जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, अच्छे से कर देंगे मिक्स और ढक के पकने के लिए छोड़ देंगे। आइए चेक करते हैं, टमाटर अच्छे से गल चुका है। गैस को कर देंगे बंद, मिक्सचर को ठंडा करेंगे और मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ये सारा इंग्रेडिएंट ठंडा हो चुका है, अब इसको मिक्सी में डाल के हम कर देंगे ग्राइंड। सारी मिक्सचर ग्राइंड हो चुका है, इसको निकाल देंगे प्लेट में। मिक्सचर ठंडा हो चुका है, अब इस मिक्सचर को हम कर देंगे ग्राइंड। लेंगे हाफ कप जितने धनिया, ये मिक्सचर भी ग्राइंड हो चुका है, झोल की तैयारी करते हैं। उसी पैन में हम लेंगे पानी, पानी आप ग्रेवी के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। पानी गर्म हो चुका है, जो हमने मिक्सचर ग्राइंड किया था वो डालेंगे, और ये लिक्विड मिक्सचर जो हमने पेस्ट बनाया था उसको भी डाल देंगे। अच्छे से कर देंगे मिक्स। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसको बॉईल करेंगे। झोल अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसको थोड़ी देर के लिए और पकने देंगे, करीब 5 से 7 मिनट तक। हमारे झोल अच्छे से पक चुका है, देखिए इस तरह से हो चुका है, इस कंसिस्टेंसी की बन चुका है। आप पतला गाढ़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो आइए सर्व करते हैं। तो मोमो हमारा रेडी हो चुका है, देखिए कितना अच्छा सा जूसी मोमो बना है, इसका फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छा है। मोमो में ढालेंगे जो हमने बनाया हुआ झोल ऊपर से इस तरह से। तो तैयार है हमारा झोल मोमो। आपको कैसा लगा ये रेसिपी? अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।
ये बहुत ही अच्छा बना हुआ है, आप एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत लाजवाब, मुंह में घुल जाने वाले बना हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।